तो मॉर्निंग के 7 बजे हैं और शारदा प्रसाद जी, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी इस क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस वी लुकअप का मेथड। हमने लास्ट दो क्लासेस ली थी जिसमें हमने वी लुकअप के बारे में आपको समझाया था। अब मैं आपको वी लुकअप में आगे जो है आज आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो वी लुकअप में, एडवांस वी लुकअप का मतलब ये हुआ कि वी लुकअप में कुछ ट्रिकी चीज, कि ट्रिक्स के हिसाब से जो हम इसका यूज करेंगे, चलिए उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रहा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मल्टी सीट वी लुकअप, मल्टी सीट वी लुकअप, राइट? अब देखिए कि हमने आपको बताया कि एक सेल में, एक सीट में डेटा है तो आप उसको लुकअप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डेटा कई सारे सीट्स में है। देखिए कि मेरे पास डेटा वर्ड में देखिए इंप्लॉय कोड 1 से लेके 50 तक है। 51 के आगे का जो पार्ट है, से आगे का पार्ट है वो डेटा 2 में है और उससे डेटा 3 में है। तो प्रॉब्लम है कि तीनों डेटा को आपस में कंबाइन नहीं कर सकता, ठीक है? तो कैसे करें? तो ये वी लुकअप एक बार में किसी एक ही सीट का डेटा लेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और चला गया डेटा, डेटा जो मैं पहला डेटा है डेटा 1 में, हमने इसको सेलेक्ट किया एंड कॉमा 2 कॉमा 0। एक से, अब मान लीजिए कि ये 1 है तो 1 से लग गया, लेकिन वही अगर 52 होगा तो नहीं देगा क्योंकि इस 52 सीट में नहीं। तो हम यहाँ पे एक और वी लुकअप लगाते हैं कि वी लुकअप, और हम इसको सिलेक्ट करके बोलते हैं कि अगर डेटा 51 से ऊपर हुआ तो डेटा 2 में जाकर सर्च करें कॉमा 2 कॉमा 0। अभी क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 51 लिखूंगा तो ए रिजल्ट नहीं देगा और ए रिजल्ट देगा। तो मुझे दोनों को एक सीट में कंबाइन करना, एक सेल में कंबाइन करना है कि भाई पहली सीट में एरर हो, पहली सीट में एरर हो तो दिखे, दूसरी उससे दिखे, ठीक है? दूसरा सीट से दिखे कि पहले में एरर हो तो दूसरा में दिखे, समझ गए? जी तो कौन सा फॉर्मूला है इसके लिए? फिर इफ एरर, ठीक है? कौन सा फॉर्मूला है? इफ एरर। तो ठीक इफ एरर क्या करता है? इफ एरर करता है कि दो फॉर्मूला, मतलब कि उसके अंदर दो फॉर्मूला रखे जा सकते हैं कि यहाँ पे इफ एरर, इफ एरर में हमने पहले को सिलेक्ट कर लिया कमा दूसरे को सिलेक्ट कर, तो दोनों वी लुकअप को उठा के मैं इफ एरर के अंदर में डाल दूंगा, पहला वी लुकअप और दूसरा वी लुकअप, ठीक है? जो कट करके वो
ओरिजिनल भी डालता हूँ, उसको डिलीट मार देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ देखिए कि हमने पहला वैल्यू कब यहाँ लगाया और दूसरा वैल्यू को लगाया, तो डेटा वन में नहीं मिलेगा तो फिर डेटा टू चलेगा, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट सर इसमें? अच्छा अब बात आती है कि तीसरे सीट हुई तो, क्योंकि इफ एरर में तो हम दो ही डाल सकते हैं ना, क्या बोला सर? क्योंकि जी इफ एरर में तो हम दो ही डाल सकते हैं, दो से ज्यादा तो नहीं डाल सकते ना। समझे? कैसे सिंपल सी बात है, आप लोग इतना खामोश का है, सिंपल सी बात है कि एक और ही फेयर लग जाएगा यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे वी लुकअप पिछले सीट से वी लुकअप लगाऊंगा और सीट 3 में जाऊंगा और कॉमा 2,0। अब यहाँ पे मैं एक इफ एरर लगाऊंगा, इफ एरर के पहले पार्ट में पहला इफ एरर होगा और दूसरे पार्ट में तीसरा वी लुकअप होगा। इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कॉपी किया हमने और यहाँ पे B2 जहाँ पे है वहां पे सेलेक्ट करके इसको पेस्ट कर दिया और फिर इस वी लुकअप को भी उठाया, कॉपी किया और इसके अंदर C2 पे पेस्ट कर दिया, इसको कट किया और यहाँ पे रख दिया, आ गया रिजल्ट। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। जी क्या उट इसमें नो डाउट ऐसी बाकी भी कर सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए मेरे पास डेटा है, तो देखिए डेटा है एम्प्लॉय कोड से लेके यहाँ पे पूरा ये है डेट के बाद उसकी सेल्स है, ठीक है। C11 पे मुझे जो चाहिए कि मैं एम्प्लॉय कोड 5 रखूं और बोलू कि मुझे चाहिए 5 मई से, 5 मई 2016 से 10 मई तक, ठीक है। उसी का रिजल्ट है, सोच मार्च है, मार्च पास मार्च है, तो मुझे चाहिए 1 मार्च से 10 मार्च तक,
तो उसी इतना है, समझ गए सर? तो कैसे करना है? तो याद होगा मैंने जब बीलू का पढ़ाया पढ़ाया था, ईद पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि सीरियल नंबर हम जहां तक जनरेट करना चाहेंगे वहीं तक है। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहां पे करेंगे कि इफ अगर इसमें प्लस वन करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 10 मार्च होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 10 मार्च होता है, तो यहां पे ब्लैंक कर दें, ठीक अदरवाइज इसी में प्लस वन करें, और आगे ड्रैग करने से पहले हम G6 है इसको क्रीच कर देते हैं। फिर इसको फ्रीज कर आए तो बढ़ा, ठीक है, लेकिन इसमें एरर आ गए, मैं बताया एरर आएंगे, तो एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है, इफ एरर का फॉर्मूला की इफ एरर, और फिर यहाँ का हम ब्लाइंड कर देते हैं। और फिर यहां पे लगाते हैं इक्वल हम वी लुकअप, वी लुकअप में हम इसको सिलेक्ट करते हैं कॉमा टेबल एरे, हम टेबल एरे को इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहां पे मैं मैनुअली टू एंड जीरो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मेमोरी टू है, यहाँ पे टू तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग हम मैच लगा लेते हैं, और मैच में बोलता हूँ कि भाई इस रो में ढूंढे, और फिर आगे ड्रैग करना है, तो उसके लिए हम इसको फ्रीज करते हैं। ठीक है, और इसको आगे तक ड्रैग करो। सॉरी, तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन यहां पे एरर आ रहे हैं, एरर क्यों आ रहे हैं भाई? अच्छा, हाँ, मैंने ये इसको फ्रीज नहीं किया, रोल नंबर के इसको फ्रीज नहीं किया, इस कारण से अब नहीं आएंगे, अब एरर इधर आ रहा है, तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला है, इफ एरर, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहां पे देंगे, और ये हमारा आइए तक हो गया, समझ में सर? जी अब चलिए हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे पास डेटा है, नेम है और चीजें हैं, तो मुझे क्या करना है कि हम लोग अभी एक कंडीशंस को लेते थे ना, हमें दो कंडीशन देने हैं। मुझे यहां देखना है कि फाइनेंस का पटना में क्या चल रही है, और इसमें फाइनेंस कई बार रिपीटेड है, पटना भी कई बार रिपीटेड है, लेकिन फाइनेंस और पटना दोनों मैच करे तो आना चाहिए, ठीक है? तो यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे करेंगे, वी लुकअप किसी भी कंडीशन में दो की मैचिंग नहीं करेगा, तो उसके लिए हम एक शुरुआत में एक कॉलम को इंसर्ट करेंगे, फिर हम कॉनकेटा नेट लगा के इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, इसको नहीं मतलब कि
फाइनेंस को मतलब कि डिपार्टमेंट को, और जो हमारा सिटी है उसको, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं। उसके बाद यहां भी मैं वी लुकअप लगाऊंगा और यहां भी दोनों को आपस में हम कंबाइन कर देंगे। को डिपार्टमेंट को, और उसके बाद हम ये पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और अपना कॉलम नंबर जो डालते हैं उसको डालेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने। तो फाइनेंस और पटना, देखिए फाइनेंस और पटना जहां मैच किया होगा, देखिए यहां मैच किया है ना, ठीक है। दो कंडीशन को मैच करने का तरीका समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा ये मैच नहीं करता है। पूरा का पूरा मैच नहीं करता है, तो मिलता जुलता, जैसे कि मैं अगर यहां बात करूं, इसी में बात करूं कि यहां पे मेरे पास लिखा हुआ है सुजीत कुमार, अब कहीं पे लिखा हुआ है सुजीत कुमार सिंह, सुजीत कुमार लिखा हुआ है या सुजीत कुमार सिंह भी लिखा हो सकता है, लेकिन मैं मैच करना चाहता हूं ओनली फॉर सुजीत को। सुजीत हो तो सुजीत मैच हो जाए, सुजीत कुमार हो तो सुजीत कुमार भी मैच कर जाए, सुजीत कुमार सिंह हो तो सुजीत कुमार सिंह भी मैच कर जाए। तो उसका तरीका कुछ इस तरह से है कि आप सुजीत हमने लिखा, अब दोनों तरफ हमने स्टार लगा दिया, अब मैं इसको वी लुकअप लगाता हूं, इसको सेलेक्ट किया कॉमा थ्री जो नॉर्मली है लिखा हमने, आ गया। देखिए सुजीत कुमार सिंह जो यहां लिखा है उसके सामने 40,000 है, 34,000। तो हमने अगर दोनों तरफ स्टार लगाया, दैट मींस कंटेन, मतलब कि कंट्रोल एफ की तरह देखेगा कि भाई स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, कहीं हो, सब चलेगा। अगर हमने यहां पे सिर्फ एंड में स्टार लगाया, हमने एंड में स्टार लगाया, इट मींस क्या हुआ, ये हो जाता है स्टार्ट विथ, मतलब सुजीत स्टार्ट में होना चाहिए, और हमने सिंह लगाया सिर्फ, इसका मतलब है हमने सिंह से पहले स्टार लगा दिया, इसका मतलब हुआ कि एंड में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। तो ये फाइल में आप सर वी लोगों को लुकअप क्या बोल रहे हैं? के थ्रू जैसे सुजीत आप दिखा रहे हैं, सुजीत कोई भी उसमें सुजीत कई बार पड़े हैं, उसकी वैल्यू कई बार फर्स्ट पड़ी देखिए, है, फर्स्ट तो देखिएगा, क्या बट सिर्फ फर्स्ट को देखिएगा, तो पता ही है लीनियर ढूंढता है। जी तो उसका टोटल नहीं किया जा सकता है। हाँ उसके लिए सम इफ है, जी उसके लिए सम इफ सर, आपसे एक क्वेश्चन और था, मैंने पहले भी पूछा था, ये हमारे पास जैसे किसी भी कोड या कोई रेगुलर कोड मल्टी मल्टी टाइम, ठीक है, हम उसको यूनिकली किसी दूसरे सीट पे लेना चाहते हैं, और वो मेरा जो रॉ डेटा है वो डेली हमारा अपडेट होता रहे,
मतलब आप चाहते हो कि दो, मान लीजिए कि सुजीत दो बार आया तो उसमें से एक ही बार उठे। एक ही बार ले जी, ऑटोमेटिक मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला जिसके थ्रू लगा सकते हैं, रॉ डेटा से कनेक्ट पूरा कर पूरा सकते डेटा हैं। चाहिए कि सिर्फ वो पर्टिकुलर आईडी चाहिए? नहीं सर, मेरा रॉ डेटा तो मैं डेली उसमें अपडेट करूंगा, ठीक है, आपको सर लेकिन एक दूसरी सीट पे मैं उसके लिए एरे इस्तेमाल करना पड़ेगा, एरे के थ्रू होगा, या फिर एक हमारे पास है डेटा में, यहाँ एक्सटर्नल डेटा सोर्स में फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, इसके जरिए हो सकता है। तो इसलिए हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है सर, ओके अभी समझ में नहीं आया। और सर ठीक है। डुप्लीकेट नेम हुआ तो मैक्स वैल्यू के लिए सर एरे इस्तेमाल करेंगे, मैक्स और इफ के लिए बिना रावत जी, वो आगे मैं बताऊंगा आपको जब एरे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? ओके बाय एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।